आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू की बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो कि साउथ में बनाई जाती है और आप लोगों ने शायद इसे ट्राई ना किया हो। हेलो एवरीवन, तो आज चलिए बनाते हैं कद्दू की दाल के साथ में एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। तो कद्दू को आप क्या कहते हैं, सीताफल भी बोला जाता है, कद्दू भी बोला जाता है, कोमड़ा भी बोला जाता है इसे, हमारे यहाँ इसे कोमड़ा बोला जाता है। तो अब इसका छिलका इस तरह मैंने उतार लिया है और उतार करके बीज का जो बीज होता है ना, बीज वाला हिस्सा, उसे भी मैंने निकाल लिया है और निकाल करके इस तरह इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेते हैं हम। तो मैंने आधा टुकड़ा लिया है, यानी कि 200 ग्राम होगा ये, इतना ही कद्दू मैंने लिया है और अच्छे से छील कर उतार करके और इस तरह मैंने इसके सारे पीसेस कर लिए हैं। और अब मैंने नारियल का टुकड़ा लिया है, तो आप जानते ही होंगे कि साउथ इंडियन रेसिपी हो और नारियल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो मैंने फ्रेश नारियल लिया है एक बड़ा टुकड़ा, उसके भी इस तरह छोटे छोटे टुकड़े मैंने कर लिए हैं, करके ले लिया है मिक्सी जार में। और मिक्सी जार में डाल लेते हैं 2 हरी मिर्च और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा, होल जीरा है, और डाल करके चलिए इसे पीस लेते हैं। बिना पानी का है, इस तरह देख लीजिए दरदरा सा हो गया है। और अब मैंने लिया है आधी कटोरी मूंग दाल, जिसको मैंने 10 मिनट पहले भिगो दिया था और अब मैंने उसे धो करके निकाल दिया है। और इसे ले लेते हैं, 1 कप पानी डाल लेते हैं, यानी कि आधा कप अगर दाल है तो 1 कप पानी डालकर सिर्फ नमक डाल करके इसमें एक विसल लगा लेते हैं, यानी कि एक सीटी लगा लेते हैं। मूंग दाल को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और अगर फूला हो फिर तो बिल्कुल नहीं लगता है। एक विसल लगा करके खोल लिया है मैंने और उसमें डाल लिया है अपने काटे हुए कद्दू को, जो हमने कद्दू काट रखा है ना उसे डाल लिया है। डाल करके अब इसमें 2 सीटी और लगा लेते हैं और ये देखिए ये हमारा हो गया है। और अब मैंने सीटी खोल लिया है और अब इसमें डाल लेते हैं ये जो हमने पीस रखा है ना, नारियल और हरी मिर्च जीरा वगैरह, उसे डाल लेते हैं। और डाल करके थोड़ा सा मिक्सी जार में जो लगा हुआ है ना उसमें भी पानी डाल करके डाल लेते हैं अपने कुकर में और इसे इस तरह थोड़ा सा 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो चलाते हुए हमें इसे अच्छी तरह पका लेना है ताकि ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाए। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। और अब इसमें एक तड़का लगा लेते हैं, तड़का के लिए 1 चम्मच सरसों तेल लिया है और उसमें डाला है राई, और राई जैसे ही तड़क जाए तो थोड़ा सा डाल लिया है लाल मिर्च और खड़ा लाल मिर्च है एक तोड़ करके, कड़ी पत्ता 5-7 पत्ते मैंने डाल लिए हैं और इसे तड़का लगा लिया है इसमें। इससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। तो तड़का आप लगाएं ज़रूर इस रेसिपी में, क्योंकि तड़के के बिना ये रेसिपी बिल्कुल अधूरी है। इसमें हमने कोई मसाला नहीं डाला है, कोई भी स्पाइस वगैरह कुछ भी नहीं जाता है इसमें, लेकिन फिर भी ये रेसिपी काफ़ी टेस्टी होती है। तो आपको कैसी लगी ये साउथ इंडियन रेसिपी? अगर आपको फ्रेंड्स थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं ना फ्रेंड्स, तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे अगली बार एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।